एवरीवन, आज की 19 जून 2023 के करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे एक शॉर्ट न्यूज़ है। तो रोड सेफ्टी को और इन्हांस करने के लिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने कुछ गाइडलाइन इंट्रोड्यूस करी हैं ताकि कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, उनको एरर फ्री किया जाए, उनको रेक्टिफाई किया जाए। तो कुछ शॉर्ट टर्म मेजर इंप्लीमेंट किए जाएंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इन शॉर्ट टर्म मेजर्स में जैसे कि जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, क्रैश बैरियर्स, रेलिंग्स और कुछ ट्रैफिक कालमिंग मेजर्स भी इंप्लीमेंट करे जाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है उसमें एकदम घबराहट सी हो जाती है, उसको भी शांत किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 2023 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखो, सिकल सेल की जो डिसीजेज होती हैं उनमें रेड ब्लड सेल बॉडी में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में बहुत सारी डिसीजेज आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो पेन है या फिर हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज हैं, बहुत सारी रेड ब्लड सेल के कम होने से हो जाती हैं। तो इसी का अवेयरनेस देने के लिए दिन मनाया जाता है। और किस दिन मनाते हैं? 19 जून को। इस बार की थीम क्या रखी गई है? बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज़, फॉर्मलाइजिंग न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिसीजेज स्टेटस, कि पता तो चले कि आखिर क्या है, क्या स्टेटस है अभी सिकल सेल का अपनी बॉडी में। तो 19 जून को मनाया जाता है सिकल सेल डे। तो यहाँ पे जून के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो लगाए हैं, तो देख लीजिए। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को ही मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को मनाते हैं तेलंगाना का फॉर्मेशन डे था इस दिन। 3 जून को मनाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। 2023 की थीम थी राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो आपको पता ही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। और 2023 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को। वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं 8 जून को। एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल एस्टेट एक्सपो 2023 इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है जी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो जो इनॉग्रेशन होते हैं करंट अफेयर्स में वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ इम्पोर्टेंट सम्मिट देखेंगे, रिवाइज करेंगे। G20 2023 सम्मिट नई दिल्ली, थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो न्यू दिल्ली, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सम्मिट 2022 हुई है न्यू दिल्ली, 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022 इंडिया का होस्ट है, 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी नई दिल्ली में, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई महाराष्ट्र में हुई है, 8th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजित हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में, डेफ एक्सपो 2022 जो है वो आयोजित हुई थी गांधीनगर गुजरात में, इंडिया का पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन सम्मिट 2022 की गांधीनगर गुजरात में देखने को मिली थी, और 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। हु हैज़ बीन अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2021? 2021 के गांधी पीस प्राइज से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये हुए हैं गीता प्रेस गोरखपुर, इसको सम्मानित किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज़ 2021 से। तो गांधी पीस प्राइज़ 2021 का मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। क्यों मिला है? इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो उन्होंने किया है थ्रू नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीयन मेथड, तो इसलिए इनको मिला है ये पीस प्राइज़। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड का रिविजन कर लीजिए। तो रेमोन मैक्साय अवार्ड 1959 जो हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ये दलाई लामा को मिला है। असम बेवा 2023 का मिला है तपन कुमार सायका को। एवल प्राइज़ 2023 का मिला है लुइस कैफ्रेली को। शक्तिकांत दास बने हैं इस बार गवर्नर ऑफ द ईयर बाय द सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान 2022 का मिला था शिवा संकरी को। ब्यास सम्मान 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। एंड प्रिट्ज़कर प्राइज़ 2023 का मिला है डेविड चिपरफील्ड को। बेरकोनी प्राइज़ जो कि कंप्यूटर के फील्ड में दिया जाता है, हरी बालकृष्णन को मिला है। यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 का एंजेला मर्कर को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ओनर यूके में मनमोहन सिंह को मिला है।
साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 रहे थे आर विष्णु प्रसाद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था डॉक्टर प्रभात्री को। मिस यूनिवर्स 2022 का मिला था आर बॉनी गैब्रियल को, जो कि यूएसए से हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड, गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर्स मिला था नाटू नाटू को। तो यही सब इम्पोर्टेंट थे अवार्ड, एग्जाम में पूछा जाता है अवार्ड से क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 25th सीसेन एफएसआई कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया पैसिफिक सुपरविजन डायरेक्टर वॉज हेल्ड इन विच सिटी। एशिया प्रशांत पर्यवेक्षण निर्देशकों का 25वां सीसेन एफएसआई सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इस शहर का नाम है मुंबई, ऑप्शन सी। ऑर्गेनाइज हुआ था साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस ने फोकस किस पे किया था? की थीम से थीस में इम्पैक्ट जो हो रहा है डिजिटलाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, और बैंक का क्या रोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने में, और जो चैलेंज क्या आ रहे हैं बैंकिंग सुपरविजन के क्रॉस बॉर्डर में। यही सब इसकी की एरियाज थे फोकस के। आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया था ओम बिरला ने। तो ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर हैं, इन्होंने मुंबई में ये जो है कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया है। APJ अब्दुल कलाम एक्सपो पेविलियन जो है ये भी इनॉग्रेट हुई थी, और किस थीम पे हुई थी? जो भारत हम मना रहे हैं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और सेलिब्रेट कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यही सब इसमें इम्पोर्टेंट था। विच मिनिस्टर अनवील्ड द दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप? किस मंत्री ने दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो ये किया गया है हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के द्वारा। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैवी इंडस्ट्रीज़ के हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इन्होंने अनवील किया है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप मसूरी उत्तराखंड में। ये ऐप डिज़ाइन किया गया था और डेवलप किया गया था राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के द्वारा जयपुर में। इस ऐप का क्या मकसद है? इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ मिल्क को ग्रास रूट विलेज लेवल पे। यहाँ पे कुछ पोर्टल जो स्टेट के द्वारा लॉन्च हुए हैं, जैसे सफल पोर्टल उड़ीसा ने लॉन्च किया था, समर्थ पोर्टल उत्तराखंड का है, संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा का है, CM द हैसी पोर्टल मणिपुर का है, रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल मेघालय का है, हमारा अपना बजट पोर्टल झारखंड ने स्टार्ट किया था, कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा एंड जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल जम्मू एंड कश्मीर का लॉन्च है। हु चेयर द कंसल्टेशन मीटिंग ऑन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है राजनाथ सिंह ने। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चेयर किया है मीटिंग को। कंसल्टेटिव कमेटी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किस पे किया है? सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में खुद से ही हम कुछ कर पाए, आत्मनिर्भरता आ पाए, बेंगलुरु में किया है। तो जो मेंबर ऑफ कमेटी थे ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों से थे। हु एड्रेस द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट? तो आपको पता है G20 की 2023 में प्रेसिडेंसी हमारे इंडिया के पास है, तो इसी वजह से बहुत सारी, चाहे वो हेल्थ की है, बिजनेस की है, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। तो एग्रीकल्चर की मीटिंग को किसने इनॉग्रेट किया है अभी रिसेंटली? PM मोदी ने। तो इम्पोर्ट जब एग्रीकल्चर की मीटिंग है तो एग्रीकल्चर पे ही बात होगी, इम्पोर्टेंस पे, जो एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस है और जो रोल है एग्रीकल्चर का। पहले जब लोग जॉब नहीं करते थे तो एग्रीकल्चर ही आजीविका का साधन था और बहुत अच्छे से लोग रह रहे थे शांति से। तो इसी के बारे में इम्पोर्टेंस बताने के लिए एग्रीकल्चर का, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर जो है आज भी लाइवलीहुड का साधन है, ओवर 2.5 बिलियन पीपल ग्लोबली। तो यही उद्देश्य था इसका, इम्पोर्टेंट इशूज़ जो है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, उस पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे कुछ समिट का रिवीजन कर लीजिए। SCO समिट 2023 इंडिया होस्ट है, SCO समिट 2022 का होस्ट उज्बेकिस्तान था, 14th ब्रिक्स समिट 2022 चाइना इसका होस्ट था, 48th G7 समिट 2022 जर्मनी इसका होस्ट था, बिमस्टेक समिट 2022 की श्रीलंका में हुई थी, और 2023 की आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है, COP27 समिट 2022 एग्जिबिट, COP28 समिट 2023 की UAE होस्ट है इसका, G20 समिट 2022 की इंडोनेशिया ने होस्ट की थी, एंड G20 समिट 2023 की इंडिया इसका होस्ट है, आपको पता है ये। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर बताना। बिहू कुहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बिहू कुहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हिंदू पाठशाला।